हाय फ्रेंड, हमने पार्क कर दिए पार्किंग यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन ब्लॉग्स पीपी। और आज मॉर्निंग यानी सुबह के कितने बज रहे होंगे? साढ़े दस लगभग हो रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं सूरत से, यानी सूरत के पास है गलतेश्वर, बारडोली के बाजू में। और गलतेश्वर हम जा रहे हैं आज, हमारा फैमिली के साथ में जा रहे हैं। हमारा प्लान था कि आज हम विद फैमिली जाएंगे और मेरे चाचा आज कार ड्राइव कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाएंगे। मैं आज पहली बार गलतेश्वर जा रहा हूँ, इसके पहले तो चाचा गए हैं, तो आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और अपना फर्स्ट टाइम गलतेश्वर का एक्सपीरियंस बताऊँगा कि आज मेरा कैसा उसमें आप लोग भी साथ देना और भी आप लोग सजेशन देना कि कैसा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और सूरत के आसपास कोई अच्छी जगह हो तो आप बताइए। चलिए तो गलतेश्वर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो रास्ता है ये बारडोली रोड, जो सूरत बारडोली रोड से यानी कड़ोदरा बारडोली रोड जो है वहाँ से गंगाधरा से हम कट गए हैं। और गंगाधरा से एक पतला सा रास्ता जाता है मोता, और मोता से हम बढ़ेंगे गलतेश्वर की तरफ। जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ खेती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं गलतेश्वर पहुंच चुका हूं फैमिली के साथ में, और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। पार्किंग यहां पे, पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा पार्किंग है और पूरा खाली ही है। और गाड़ी हमने पार्क कर दिया और हम चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो पार्किंग में था, फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। तो अभी हम मंदिर में एंट्री करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं ये गेट है मंदिर का, गलतेश्वर महादेव मंदिर आए हम लोग विद फैमिली। और मेरी फैमिली के सब पर्सन आगे निकल चुके हैं और मैं पीछे रह गया हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। ये शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ओम नमः शिवाय, जय भगवान भोलेनाथ, कृपा करे, दया करे, रक्षा करे। ये शानदार आपको मूर्ति, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा आप लोगों को दिख रही होगी और मज़ा आ गया देख के। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये गलतेश्वर महादेव मंदिर सूरत, गुजरात सूरत यानी बारडोली के पास में है गलतेश्वर। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। आप लोग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी मंदिर में दर्शन करने के बाकी है, जब मंदिर पहुँचेंगे तो फिर आपसे हाय बोलो। हेलो अदिति, बताओ बताओ, इसके पहले आ चुकी हो ना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे मेरे बाबू से भी पूछो, वहाँ से तो बाबू भी है। मैंने ऐसा सुना है कि अभी तो अंदर जाने के बता, लेकिन शायद यहाँ पे स्विमिंग पूल या वाटर पार्क जैसा ऐसा कोई व्यवस्था है। यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। आगे चल के देखते हैं। ये भगवान राम जी की मंदिर है।
काफ़ी शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आगे जो आप लोग देख रहे हैं वो वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे रिवर है, तापी रिवर, तापी रिवर है। और ये महादेव हमारे, हर हर महादेव। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रफुल्लित हो गया यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर यहाँ पे सूरत में तो गलतेश्वर एक बार घूम के ही जाना, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जगह है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, सब उनके लिए समर्पित है। और यहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए टिकट यानी टोकन लेना, तो यहाँ से हम लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो टिकट तो हमने ले लिया है, और एक टिकट है 50 रुपये का, और 6 लोग हैं तो हमारा 300 रुपये लगा यहाँ पे। गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। शायद स्विमिंग पूल या वाटर पार्क जैसा कुछ है गलतेश्वर में, जो कि अभी मैं गलतेश्वर में ही हूँ, और हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये सामने है तापी रिवर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सूरत में आ रहे हो तो भाई गलतेश्वर एक बार घूम के जाओ, यहाँ पे आने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी देख के इतना अच्छा लग रहा है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा हमारा, वो आगे हम बताएंगे आपको। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, शायद यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है, कि उधर कुछ है। और हाँ, फाइनली ये स्विमिंग पूल है, ये है जहाँ पे नहाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत है जगह, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन भीड़ बहुत है। देखते हैं हमारे नहाने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। काफ़ी धूप है तो थोड़ा बच के ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि पानी और धूप दोनों साथ में होगा तो सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है। बहुत ही मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ही एक्सपीरियंस। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा होता है, वो उसमें जाने के बाद, पानी में जाने के बाद पता चलेगा। और मेरा तो गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, कि अभी से मन कर रहा है कि पानी में कूद जाऊँ थोड़ा, क्योंकि मैं जब गांव में था, गांव में मेरे गांव, जहाँ मेरा गांव है यूपी में, तो मेरे गांव में नदी है, और हम लोग, मैं गर्मी के सीज़न में नदी में चला जाता था, तो हर दोपहर में नदी में जाता था और नहाता था, पूरा दिन नदी में बहुत ही मज़ा आता था। जो कि इधर नदी है, लेकिन उस नदी से कनेक्ट करके यहाँ पे ये स्विमिंग पूल बनाया गया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, काफ़ी शानदार लग रहा है। और अभी हम नीचे जाएंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी के तरफ। हमारा इधर आने का मेन मकसद था कि आज हम पूरा दिन इस पानी में एंजॉय करें। हमारा मकसद यही था कि आज हम पूरा दिन इस पानी में एंजॉय करेंगे, और अभी हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। फिर अब मैं जा रहा हूँ पानी में, और पानी में मैं अभी कूदने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहाना है, और मुझे काफ़ी धूप है, और थोड़ी ठंडक लेनी है बॉडी को, और मैं पानी में कूदूंगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, और इसलिए तब तक के लिए मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, और आगे आता हूँ, फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाऊँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फुल इंजॉय, फुल इंजॉयमेंट। और ये है मैं एक बार पानी के अंदर जाके आ चुका हूँ। आज पूरा दिन यही करना है, इधर नहाना है, एंजॉय करना है। कैसा लग रहा है? हर हर महादेव। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही मजा, सब आज नहाते हैं, और इधर नहाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। कोई रोक टोक नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, सब तो साथ में नहा सकते हैं, और फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा।
और ये जहाँ तक है ये आगे रिवर है, रिवर तक कनेक्ट किया हुआ है इस पानी को, देख सकते हैं आप। काफी शानदार। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमने फुल एंजॉय किया, आए स्विमिंग पूल में गए नहाए, फुल एंजॉय किए और अब हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं हम घर के लिए, लेकिन पहले थोड़ा घूम लेंगे और मंदिर में दर्शन कर लेंगे और अब हम नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। नंदी जी महाराज, जो कि ऐसी मान्यता है कि इनके कान में अगर कोई भी हम मन्नत इनके कान में सुनाते हैं तो वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाता है। भगवान गजानन जी महाराज, गणपति बप्पा मोरिया, ये सन्निदेव। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फाइनली हमें गलतेश्वर महादेव का दर्शन मिल चुका है और हम दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर श्रद्धालु का लाइन लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये श्रद्धालुओं का लाइन है, सब दर्शन करने के लिए आए। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको फुल एंजॉय और भगवान के दर्शन भी होंगे, आप एंजॉय भी कर सकते हैं, पास में स्विमिंग पूल है, नहा सकते हैं, फुल डे एंजॉय और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं आप। देख रहे होंगे ये आगे हमारे महादेव, हर हर महादेव, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी तो मेरा वीडियो आप सब देख सकते हैं। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं ये भोलेनाथ जहाँ पे उसके अंदर यानी नीचे मंदिर है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से आगे से एंट्री है, आगे से ये अंदर जाऊंगा, फिर उसके बाद ऐसे टर्न मार के ऐसे आएंगे हम लोग। यहाँ से एंट्री लेना है और यहाँ से हम एंटर होंगे, फिर उसके बाद मैं आपको सब लाइन टू लाइन दिखाते जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका था, राम जानकी मंदिर, राम जी का मंदिर है और मैं यहाँ से एंटर हो चुका हूँ। अब यहाँ से हम एंटर मारेंगे और यहाँ पे कैमरा बंद करेंगे अंदर, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। जैसा कि अब हम गलतेश्वर से फिर से घर जा रहे हैं,
और एक बार सब बोलेंगे हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। तो गलतेश्वर से अब हम घर जा रहे हैं और भगवान बुलाएंगे, महा गलतेश्वर भगवान बुलाएंगे यानी महादेव बुलाएंगे, तो फिर हम आएंगे गलतेश्वर। और हम अब घर पे जा रहे हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। और YouTube पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे आप देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।